बरेली में एक बार फिर कुछ खुराफाती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और मेरी मौजूदगी बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के स्टेडियम रोड पर देख सकते हैं दोस्तों। ये शनिदेव का मंदिर है और देर रात कुछ खुराफाती तत्वों ने इस मंदिर की जो मूर्ति है उन्हें खंडित कर दिया है। अगली तस्वीर आपको जो दिखा रही है किस तरह से यहाँ जो पत्थर था उसे तोड़ दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन को जब किसी इस बात की भनक लगी तो मंदिर की जो पत्थर है उसे लगा दिया। तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ आक्रोशित है। उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की थी और मंदिर की जो मूर्तियां तोड़ने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। तमाम जो आपकी जहां तक तस्वीरों नजर जाएगी वहां पर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग दिखाई देंगे इन्हीं से जान लेते भाई जो बताइए क्या हुआ था क्यों लोग आप यहाँ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सर हम समझते नहीं यहाँ पर क्या हुआ। ये रात में करीब 12 बजे की बात है जब यहाँ कोई नहीं था सिर्फ सामने एक चाय वाला है वो भी पैर से लंगड़ा है तो उसके सामने तोड़ा फोड़ी हो रही थी तो उसने आवाज दे करके मना भी किया लेकिन भीड़ में काफी थे जो कि जुलूस से लौटते समय के जो लोग थे उनने आकर के ये करा है और बता रहे हैं कि बाद में जब गली के कुछ लोग आए हैं तो यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं उनने खड़े होकर के ये रात में लीपापोती करा करके चले गए जिससे हिंदू समाज नाराज ना हो जिससे आक्रोश ना हो। लेकिन एक टूटा और एक जुड़ा वो तो अलग ही दिख जाएगा तो उस हिसाब से फिर जब हमने कार्रवाई के लिए मांग करी है तो अब जाकर के पुलिस प्रशासन अधिकारी वगैरह आए हैं तो अब जाकर के देखो क्या करवाते हैं। बाकी हमारे सारे हिंदू संगठन आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील शर्मा। इस बरेली में इस्लामिक सोच बढ़ गई है। इस्लामिक सोच के खिलाफ हिंदू समाज इनका विरोध करे और नहीं तो ये बड़ी घटनाएं करते रहेंगे। हर समय ये रोहिंग्या मुसलमानों वाली बात करते हैं। जितनी भी बड़ी घटनाएं होती हैं उसमें दूसरे समाज का आदमी क्यों मिलता है? हिंदू कहीं दिखता है आपको क्या? वो ऑनली वन मुसलमान के लोगों को हरकत ही नहीं करता है। तो आप तमाम जो आप हिंदू संगठन के लोग क्या मांग है, क्या है आपकी मांग? यही है जिन्होंने ये घटना करी है शनिदेव मंदिर को तोड़ा है उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए, उनको बड़ी धाराओं में गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और नहीं तो हमारा हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद रोडों पर आएगा। कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे हम बचा फिर हम हिंदू संगठन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है जो प्राण होते हैं मूर्ति को तोड़ने वाले पर धारा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हमारा विश्व हिंदू परिषद राजजागरण युवा संगठन मांग करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये उनका सिर्फ एक संयोग है ये प्रयोग कर रहे हैं वो संयोग नहीं है। ये जानबूझकर हमारी आस्था को चोट पहुंचाई जाती है और इसका प्रतिकार जब होगा जिस दिन हिंदू एकत्र होगा प्रतिकार जब होगा तो किसी से संभाले नहीं संभलेगा हिंदू। ये अलग बात है हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया अहिंसा परमो धर्म। जिस दिन उसने सीख लिया धर्म हिंसा तदेव जा तो इन्हें छुपाने के लिए सर जगह नहीं मिलेगी। और लोग हो सकता है किन लोगों ने एक ही लोग हैं और कोई समुदाय नहीं है। ये जो जिहादी समुदाय है ये साले जो लव जिहाद करते हैं जमीन जिहाद करते हैं ये वही जिहादी लोग हैं। इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए एक बार हर बार हो ही जाए। जो साले चले गए थे पाकिस्तान उनको यहाँ क्यों रोका कहना नहीं चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को जिसे राष्ट्रपिता बना रखा है उसने हमारे शहर में नासूर पैदा कर दिया वो नासूर भाई क्या क्या कार्रवाई। देखिए अभी जो कार्रवाई है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना ये है कि एक तो मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए और यहाँ पर जितना भी हिंदू समाज है वो ये चाहता है कि वीडियो फुटेज निकाल के उस पर एक ऐसी कार्रवाई हो जो आगे वाले समय के लिए एक मिसाल हो। देखिए ये प्रयोग हो रहे हैं ये छोटे छोटे प्रयोग हैं लगातार हो रहे हैं और अभी ये शुरू हुए हैं। बांग्लादेश की घटना से प्रेरित होकर ये प्रयोग हुए हैं और आपने देखा होगा कि जब जब वो समाज सड़कों पे आता है ताकत बनता है तब तब ये ऐसा प्रयोग करता है। इसमें कोई भी नई बात नहीं है। सबको सारी बात समझ में आ रही है प्रशासन को भी सारी बात समझ में आ रही है। तो क्या मांगे क्या है आपकी अभी कोई तहरीर वगैरह दी आपने? तहरीर हम लोगों ने दे दी है। यहाँ पर अभी 150 से 200 लोग अभी तुरंत इकट्ठे हुए हैं पिछले एक घंटे के अंदर और जैसे जैसे सूचना मिल रही है हमारे समाज के फोन आ रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर इतनी भीड़ ना इकट्ठी हो और हमारा विषय किसी तरीके से अभी समाप्त हो हमारी बात सुनी जाए। क्योंकि अगर जो पुलिस प्रशासन आज लॉ एंड ऑर्डर का एक भाव बताकर हम लोगों को लगातार दबाता है तो बहुत ज्यादा दूर बात नहीं है कि जब पुलिस प्रशासन के भी गिरेबान को मैं इनको झांकना पड़ेगा उनके भी बिल्ले नुचने वाले हैं। देखिए तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं अगले अगर मैं पीछे की तस्वीरें दिखाऊं आपके लिए तो पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। जेसीबी से यहाँ एक तरह से सीमेंट लाया गया है और इसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। हिंदू संगठन के तमाम लोगों का यही कहना है कि उन्होंने एक तहरीर दी है उसके बाद कड़ी से सख्त कार्रवाई की जाए। संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।